तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज मैं व्लॉग तो अब 5 बजे शाम को चालू कर रहा हूँ। अभी घर पे था, उसके बाद आया यहाँ, कंपनी में लोड हो रही है पीछे गाड़ी, लोड हो रही है, उसके बाद यहाँ से चलेंगे सूरजपुर, गाड़ी लोड होगी। और अभी लोड नहीं हुई है, हो रही है, निकलूँगा सुबह 4 बजे निकलूँगा यहाँ से। और आज अभी देखते हैं, थोड़ी देर में हो जाएगी, उसके बाद घर। अब बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ देखो कुछ कम लगा साउंड, यहाँ शिफ्ट कर दिया, अब अच्छा भी लग रहा है देखने में। और यहाँ से ये साफ़ हो गया, और ये पेपर वेपर पड़े हैं, यहाँ रहते हैं, भाग जाता है इधर। अब ये डैशबोर्ड ऊपर साफ़ है, अब अच्छा लगने लग रहा है। और आज एकदम साफ, इसको धोया था क्लीन घर पे, उतार के इसको झाड़ा, कवर इसके ऊपर निकाल के धोया, उसके बाद आया मैं घर पे, काफ़ी देर तक साफ़ सफाई करके उसके बाद आया हूँ। और ये वाली अभी कवर लगाई नहीं, नीचे यहाँ रखी है, इस साइड सूख गई है, अभी करूँगा, थोड़ी देर में लगाऊँगा, काफ़ी देर से लगा पड़ा था। अभी तक इसको मैंने चाकू से काटा, ये जो प्लास्टिक लगी हुई है निकल नहीं रही थी, इसको निकाला किसी जतन करके, यहाँ करके निकाला ये वाला, तो ऐसे ही था सेम, वो भी यहाँ लगा दिया, अब शिफ्ट हो गया। तार अच्छा नहीं लग रहा, अब तार अब आज तो नहीं, अब देखता हूँ किसी एक पर, लेकिन ना मेरा साउंड का कोई पता ही नहीं है, कभी ऊपर आ जाएगा। आज इसलिए यहाँ रखा है, कुछ कम लग रहा होगा खाना बनाने का, सिलेंडर विलेंडर नहीं है इसलिए, क्योंकि जिस कंपनी में कल जाना है ना, उस कंपनी में सिलेंडर अलाउड नहीं होता, और कल मैं 2-2:30 बजे तक घर आ जाऊंगा, इसलिए मैंने नहीं किया। मैं क्या फ़ायदा फिर अभी गाड़ी में रखूँ फिर निकालूँ, वो ठीक है पर वहाँ कंपनी में निकाल के रखूँ, फिर कल खाना भी नहीं बना पाता, सूरजपुर जाना था, मैं खाना भी नहीं बना पाता, तो क्या फ़ायदा, इसलिए नहीं। 6 बज गए, अभी तक गाड़ी लोड नहीं हुई, अभी आधी लोड हुई है, उसके बाद अभी कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। वैसे अभी घर के पास में ही हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2 किलोमीटर के करीब हूँ, और अभी कह रहे हैं 10 बज जाएगा लोड होते होते। मैं ये बात अगर पहले बता देते गाड़ी खड़ी करके घर चला गया होता, अब देखते हैं हो जाएगी तो ठीक है, अभी तो 10 बज जाएंगे बजा देंगे मेरे हिसाब से। तो अभी माल तैयार नहीं है, आधी गाड़ी लोड हो गई है, अभी 2 गाड़ी और लोड होनी है, और उसका माल तैयार हो गया, मैं उसी का माल इसी में डाल दे भाई, कह रहे नहीं प्लान बना हुआ है, तो अलग अलग ही लोड होगी। अभी देखते हैं, अभी आधा माल डाल के उसके बाद और तैयार करेंगे। और बज गया 7, अभी तक आधी गाड़ी वही उतनी हुई है, और अभी कह रहे हैं टाइम लगेगा, अभी दूसरी गाड़ी का थोड़ा बहुत माल डाला, और उस गाड़ी का भी टाइम लगाएंगे, देखते हैं कितना टाइम लगाएंगे, अभी तो बहुत टाइम लगा दिया, क्या बताओ, माल तैयारी कर रहे हैं, बुला लेते हैं पहले, 7 बज गया, अब क्या करूं, देखते हैं अभी कब तक होगी। निकलना तो वैसे सुबह, फिर भी घर चला जाता, यहाँ क्या फ़ायदा खाली बैठने से, बाहर रहते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, बाहर रहता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे दिन भर रात भर बैठा रहूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पास में ही घर है, और घर भी नहीं गया, यहीं हूँ तो सही नहीं लगता, क्या बोलूँ। अभी तक 9:30 हो गए, पेपर नहीं मिले, और थोड़ा ठंड भी लग रही है, सीधा उधर का भी लॉक है, इधर का उतार रखा है, अभी उतारा, ठंड हो रही है तो पहन लिया जैकेट। और अभी पेपर का तो लोड हो गई गाड़ी, और पेपर कह रहे हैं अभी 1/2 घंटे में, और बेसिकली बिल मिल गया, अभी तक इंतज़ार कर रहा था, अभी बिल लेके आया बंदा, बच गए 9:30 हो गए, कोई बात नहीं, मिल गए 9:30 हो गए, और अब मैं निकला घर। आज इतना अच्छा लग रहा है, साउंड फिट सही है, अभी ये ले जाए घर पे उतार दूँगा, सेफ्टी है ये भी, सही चीज़ है,
काफ़ी दिन से नया बॉक्स लिया था, जब से ही है इसी के गाड़ी में, कहीं भी लगाता हूँ इसको साथ में रखता हूँ, क्योंकि ये सेफ्टी है, इस चीज़ से ये काफ़ी बचा रहता है। और अब इसको अंदर रख दिया, लगा रखा है, फिट है, इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए ये घर पे रख दूँगा सेफली। और यहाँ पे अब ये मूर्ति अकेली, और अब ये सही भी लग रहा है, ऊपर वहाँ बोतल रखी है और वो रखा है, थोड़ा बहुत वो हो रहा है, नहीं तो और सही है, सब एक नंबर का है। अभी और सौदा करवाएंगे गाड़ी, जब एकदम थोड़ी सजवाएंगे, फिल्म ऊपर और पीछे और यहाँ पे ऐसे ही पड़ा है अभी तो सारा। अब जा रहा हूँ घर पे, अरे खाना खाऊँगा, भूख लग रही है बहुत तेज़। और ये मैं पहुँच गया मुंडका अंडरपास, बस अब पहुँच जाऊँगा घर पे, खाना वाना खा के आराम करके सो जाएंगे आराम से, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट, बाय। यार सब्सक्राइब नहीं करता कोई भाई, रिव्यूज नहीं आ रहे, देखा तो करो मेरी वीडियो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, शेयर करो ज़रूर। मुंडका अंडरपास।